So hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing good. Today I am right now in Chitrakoot, my hometown. जिन लोगों को नहीं पता मेरे चित्रकूट के बारे में, वो आप इंटरनेट में जा रहे हैं, सर्च करके पता कर सकते हो. बट अगर एक शॉर्ट ब्रीफ हो, सो ये एक रामायण के हिस्ट्री का एक पार्ट रहा है. एनीवे, सो चित्रकूट इज क्वाइट ब्यूटीफुल. काफी एकदम हरियाली टाइप ऑफ एरिया है. इट्स कॉल्ड देवांगना. वी विल टेक टू ट्राई अ फेक ड्रोन शॉट. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड लेट्स कंटिन्यू. देखिए गुरु, प्लान ये है कि हमने सोचा कि अपने पास ड्रोन अफोर्ड करने के पैसे तो है नहीं, तो अभी इसने जो है मोनोपॉड बाय किया है. सो मोनोपॉड से हमने काफ़ी वीडियोस में देखा इंस्टाग्राम की रील्स पे और टिकटॉक वगैरह में कि वो मोबाइल फंसा करके अपर एंगल का शॉट लेते हैं और वो ड्रोन के शॉट जैसा एकदम व्यू लगता है. तो वही हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं. वहाँ की जो रोड्स हैं वो काफ़ी केरला वाला व्यू देती हैं. अगर आप केरला गए हो तो वहाँ पे हरियाली चारों तरफ है और रोड्स काफ़ी अच्छी हैं. आफ्टर कलर ग्रेडिंग वो काफ़ी अच्छा एक व्यू हमें मिल सकता है. तो दैट्स वाई वी आर गोइंग और देखेंगे अगर हो सकता हमसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. बिहाइंड द सीन्स वो सब आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस छोटे से क्लिप में. तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो अभी ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है देवांगना घाटी. मतलब ये नहीं है, ऊपर है, लेकिन हम लोग बीच रोड में यहाँ पे रुक गए हैं बिकॉज जो आप वो रोड देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव वाला सीन है. तो जब आप फिल्मों में देखते होंगे तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ. हो सकता है अगर कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स लेने का प्रयास कर रहे हैं हमारे दोस्त लोग, तो अगर आ सकेगा तो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की. जैसे कि वो एक मालिक है, आपको बहुत दूर एकदम नज़र आ रहा है. अरे बीच में नजर दे, अरे हटा रे ट्रगर. ये हमारी खैर लोकल भाषा थी. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हैं, अरे यार सेल्फ बस लेना, एक्सीलेटर लिए चलाए हैं. सो इस प्रकार हम लोग कुछ बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं. अगर कुछ एकदम इंटरेस्टिंग शॉट्स आए तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा. लेकिन अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा.
तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो आपने अभी जगह दिखाया था, ये वाला जो आपने हाईवे देखा, ये हमारे मतलब चित्रकूट रामघाट के एरिया से आ रहा था, और ये जो रास्ता जा रहा है मेरे पीछे की तरफ, ये जा रहा है देवांगना घाटी की तरफ, जहाँ पर अभी न्यू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। यानी कि एक मिनट गाड़ी निकल जाए। सो, यहाँ पे नया एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऊपर जब हम लोग अभी घाटी के ऊपर जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो ये वाला जो रोड जा रहा है इस साइड के लिए, ये जाता है करवी के लिए, यानी कि जो एक काफ़ी मेन मार्केट है यहाँ का चित्रकूट का, वो करवी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर है, और ये जाता है देवांगना घाटी की तरफ, जो कि मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये हो चुके हैं तैयार, और मैं भी हो चुका हूँ तैयार। अभी मैंने इसका शॉट लिया था, अब ये लोग मेरा शॉट लेंगे। सो अब नाव जो है धीरे धीरे ये चढ़ाई जो है बढ़ती जा रही है, और ये चढ़ाई बढ़ते बढ़ते पूरी ऊपर तक जाएगी। ये देखिए इस तरह। देखते हैं हमें कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता हमें कहाँ जाना है। ए, जाना कहाँ पे भैया? अच्छा इस साइड जाना है, उस साइड कहे लाने आया है रे तेरे? आ का मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले का। तो ये है प्रवेश वर्जित, रुक गया। अरे प्रवेश वर्जित। सो इधर से देखिए, प्रवेश वर्जित है। हाँ, ये आई थिंक एयरपोर्ट का काम चल रहा है। मैं ऑल दो यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ जब ये सब बाउंड्री नहीं बनी थी। तो नोटिस बोर्ड लिख रहा है प्रवेश वर्जित, लिखा तो है प्रवेश है वर्जित, बस तो लिखा है। वीडियो बना रहे हो ये? हैं नहीं बनाया, ये तो बात है। तो गुरु हम लोग यहाँ पे आए थे, और ये जो एयरपोर्ट वाला एरिया है बंद है, कह रहे हैं गांड में घुसेड़ देंगे। हाँ, गांड में घुसेड़ने की इनकी औकात अभी है नहीं, वैसे गांड में घुसेड़ेंगे। अरे गुरु क्या बात है, देखो कितना अच्छा नज़ारा तुम्हें दिखा रहे हैं। अरे चला रहे धीरे धीरे, आगे बढ़ाओ। हम लोग पता है, हम लोग एकदम शांति से उनसे बात करने गए थे कि भाई अगर वीडियोग्राफी नहीं अलाउड है तो यहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था, बोर्ड भी नहीं लगा है। तो हम लोग पूछने गए थे कितना दूर बन रहा है, क्या है, थोड़ी जानकारी अगर आप लोग को दे सकते हैं तो हम लोग दे दें। तो हमने बस इतना कह दिया कि वीडियोग्राफी का बोर्ड तो लगा नहीं है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि बकचोदी मत पहलो, गांड को देख देंगे। मैं कहा अच्छा, मैं कहा यार तुम्हारे जैसे लोग अगर, खैर मैं अभी अपनी टीम के साथ नहीं आया था, बनारस वाली टीम, अगर वो बनारस वाली टीम मेरे साथ होती ना तो इनकी कोई औकात नहीं थी। मगर अगर बनारस वाली टीम मेरे साथ होती तो इनकी कोई औकात नहीं थी कि ये लोग कुछ ऐसा बोल लेते। खैर आप लोग व्यू देखिए। अरे थोड़ी सी रुक जाए, पेल लेता भैया। जगह अच्छी है ना, खराब नहीं है यार।
अरे हमारा उसमें कोई इंटेंशन भी नहीं था। कांस्टेबल आ बैठा चोटिया। हाँ। गाली भाई पुलिस वालों को देना काम ही है, ठीक है ना? गाली देने को मैं भी देता हूं। यार सुबह मैंने पूरा मार कर दिया था। फालतू। सुबह का फोन किन जाएगा? पता है ना, ना यार। गाली देखो ना, मतलब कहने को सीन फालतू क्रिएट करो, वहां घूमे एंजॉय करो। और क्या? गाली तो माचो अपने दोस्त तक सुनते हैं, यहो के सुन ले, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम लोग बस आए थे इसे ड्रोन शॉट देने की, तुम्हें तो पता है, वरना हमें लड़ाई करने का इंटेंशन होता तो ज्यादा ये लिए थे लग्गा मारते लिए तो लग्गा। दो ही पुलिस वाले थे, हम चार लोग थे, मारते दबा के कपड़ा फाड़ जाता, लेकिन फिर कानून की धारा वगैरह लग जाती, बहुत बड़ा बवाल हो जाता। गलत बात है।